Inflation and index numbers, what is the relation? Inflation is described as a situation characterized by sustained. Learn the exact definition. Increase in the general price level. No, that is not inflation. Sustained, मतलब वैसा increase which is there to stay, अभी जा नहीं रहा है. तो sustained increase in the general price level. एक कोई emergency situation में temporary increase है. That won't be considered as inflation. वो टेम्पररी इंक्रीज है. सस्टेन्ड का मतलब देयर टू स्टे. करे तो भैया 3 महीने से यही चल रहा है तो हो गई है इन्फ्लेशन. कुछ एक दो चार दिन के लिए था, एक हफ्ते के लिए था. नो दैट इज नॉट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड. सस्टेन्ड का मतलब रेलेवेंट समझ आ गई. सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. अ स्मॉल राइज इन प्राइसेस और एन इररेगुलर प्राइस राइज कैन नॉट बी टर्म्ड एज इन्फ्लेशन. इफ अ परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन प्राइस, जैसे कि ऑक्सीजन के प्राइसेस बढ़ गए लास्ट ईयर मई में, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो इररेगुलर इंक्रीज था बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. बट वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद बिल्कुल वापस, अभी वापस लेवल हो गया. तो क्या वो इन्फ्लेशन हुई उसकी? नहीं हुई, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है. द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द मोस्ट वाइडली यूज प्राइस इंडेक्स एज एन इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. इट इज द ओनली जनरल इंडेक्स कैप्चरिंग प्राइस मूवमेंट्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे एंड इंडिकेट्स मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन ऑल ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस. WPI इज अवेलेबल ऑन अ वीकली बेसिस विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लैग ऑफ 2 वीक्स. 2 हफ्ते से ज्यादा लैग नहीं आना चाहिए होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने में. गवर्नमेंट का काम है उसको वीकली कैलकुलेट करना. कभी ड्यू टू एनी रीजन नहीं हो पाए तो 2 वीक्स से ज्यादा लैग नहीं होना चाहिए. पॉइंट ये बोल रहे हैं. ड्यू टू ऑल दीज एट्रीब्यूट्स WPI इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. इसीलिए इंपॉर्टेंट था होलसेल प्राइस इंडेक्स. मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया कि रियल लाइफ में आपने सोचो पूरा इंडेक्स नंबर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अगर ये बात ना डिस्कस करते तो मैं आपसे पूछता कि विच इंडेक्स नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन. तो ऑब्वियसली आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही बोलते, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही बोलते, क्योंकि अभी तक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो था. लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इज यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, नॉट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो आप इंडिविजुअल लेवल पर यूज करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए, उसका एडवांटेज अलग है. वेज निगोशिएशंस के लिए यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ऐसा नहीं यूज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इन्फ्लेशन के लिए कौन सा यूज होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स. बाकी जस्ट रीड वंस की सेंसेक्स क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स डिफरेंट. हमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ सेंसेक्स. जैसे मैंने स्टार्ट ही हमारी क्लास ही वहीं से हुई थी कि NSE BSE, तो सेंसेक्स इज ऑल्सो एन इंडेक्स नंबर. HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ऑल्सो एन इंडेक्स नंबर. PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो एन इंडेक्स नंबर. नॉट इन आर कोर्स, बट बता रहे कि और कौन से इंडेक्स नंबर्स हैं जो कि बहुत ही, जैसे सेंसेक्स तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, यूज होता है.